जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में अनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने बताया कि यह भारत सरकार दिशा की बैठक संपन्न हुई है, जो कि हर 3 महीने पर होती है, जिसमें जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। यह देखा गया है कि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, और जो कार्य चल रहे हैं वह समय पर होगा या नहीं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा जनपद में 100 योजना चल रही है, जिसमें जल जीवन मिशन सहित सभी योजनाओं पर चर्चा की गई है। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, विधायक महेंद्र पाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख खजनी अंशु सिंह, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने कहा और हम लोग मीटिंग कराए थे क्षेत्र पंचायत का, अभी भी उनके खाते में पैसा नहीं गया, मेरे कहने के बाद उनके खाते में नहीं गया। अगले साल जो पुरानी योजना 115/124 सर, इसके मैंने सत्यापन कराया है अलग अलग टीम से, और जहाँ खराब मिला है वहाँ पे मैंने इनको लिखित में बताया जहाँ पूरी इंटरलॉकिंग जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि 200 मीटर बच गया ऊपर खबर लगा के ये चलता है। गांव के लोग जनप्रतिनिधियों से ना लखनऊ से होता है, लेकिन जो पाइप आती है ये कहते हैं सीधे सप्लाई जाती, तो पाइप को चेक करने का तो राइट इनको है, ये लोग उसको चेक करा, इनकी पाइप जैसे ही उस पर लोड पड़ता है पाइप कट जाती है। तो इस जंगल अहमदा जंगल भूषण और फिर इसके बाद वहाँ का आपके नैया पार्क का तो किसी तरह ठीक हुआ, लेकिन आज भी ये अहमद अली शाह जनरल भूषण और ये अभी पटना आ गया आपका ये सब ऐसे ही पड़े बताए कि बहुत जगह हम नाम तो नहीं गिना पाएंगे, बहुत से गांव हमारे पास हैं जैसे गहिरा है नहीं कहीं बना हो चल रहा हो सही में एक बार पूरा हो चुका है लेकिन अभी नहीं चल रहा है। वही मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि ये सोची नहीं सर, हम लोग चेकिंग करवा लेंगे और कार्रवाई करा देंगे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा एक इलाज सभी कार्रवाई संस्थाओं ये लोकल मालूम तो लोकल मालूम बट एक बार तुम फैन का कराया गया जी अभी हमारे पास नहीं। मैं माननीय विधायक जी विपिन सिंह जी और नगर निगम को अनुरोध करूंगा, जो भी अगर बात आपके सीमांत आता है कि ये बात समझे सर, अभी हमें ठहराओ और उन्हें उपस्थिति के लिए बढ़ावा देना है, नियमित रूप से इसका कार्यक्रम करते रहे सर। यस सर ये हमारा रिपन भारत मॉनिटरिंग सेंटर बना है, मैं CDO साहब से अनुरोध करूंगा मॉनिटरिंग सेंटर के बारे में बता रहे हैं।
हमारे पॉलिटिक सेक्टर के अंतर्गत हम लोग सरल ऐप से प्रश्न पत्र हम भेजते हैं सारे टीचरों को, जो जिसको हम लोग ओनर शीट पर सरल ऐप से स्कैन करके। दिशा की बैठक है ये, भारत सरकार की दिशा की बैठक में हर तिमाही हर 3 महीने के बाद ये बैठक होती है, जिला के विकास की योजनाओं को लेकर। हम सभी विधायकगढ़, सांसदगढ़, जिले के सभी अधिकारी इसमें मौजूद होते हैं और अपने क्षेत्र की समस्या सब लोग रखकर और सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम कैसा हो रहा है, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ हम लोग का ये जो 3 महीने के अंतराल में ये भारत सरकार की जो गाइडलाइन है दिशा की बैठक आज उसी को लेकर ये बैठक था और अच्छी बैठक हुई, सभी विधायकगण लोग उपस्थित रहे। करीब 100 योजनाओं की बैठक है जिसमें मुख्य रूप से अगर जो हम बात करें सिंचाई, PWD, विद्युत विभाग, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ऐसे तमाम नगर निगम है, स्वच्छ जल मिशन है, हर घर नल पानी ये मिशन, मतलब जितने भी योजनाएं चल रही हैं उसकी अपडेट क्या है, काम कैसा हो रहा है, उसकी प्रगति क्या है, क्या कठिनाई हो रही है, उसको लेकर ये बैठक चल रही है।